हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आईसीटी चैनल पे। आज इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 29 सितंबर यानी बुधवार की वर्कशीट है और यह कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। और आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी, इसमें हम पढ़ेंगे पापा। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुक कर अपनी छाया किए हुए है, कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा, लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, शह शह, लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारे इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो ये एक तरीके से एक नाट्य रूपांतर के बारे में बताया गया है। जैसे कोई नाटक चल रहा है, उसमें जो वहां पे सिचुएशन है उस टाइम वो बताई गई है कि खंबा जो है वो टेढ़ा होकर के खड़ा है, पेड़ झुक गया है और कौवे की आवाज आ रही है काव काव करने की, और वहीं पे एक पोस्टर है जिसमें लिखा है पापा खो गए हैं। तो इसी बीच लेटर बॉक्स जो है, नहीं, जो लेटर बॉक्स हम जिसमें लेटर डालते हैं, उस बॉक्स लेटर बॉक्स, वो सरकता हुआ धीरे धीरे सामने आता है, मतलब दर्शकों के सामने आता है। तो वो बैक स्टेज पे होगा, जब पर्दा खुला होगा तो ये सीन होगा, और फिर लेटर बॉक्स सामने में स्टेज पे आया होगा दर्शकों के सामने, और आकर के वो कहता है कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ। लेटर बॉक्स खुद को लाल ताऊ बोल रहा है, और वो क्या कहता है कि मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप सभी में से किसी को भी इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के पापा के बारे में कुछ पता हो तो आप जल्दी आप बताना और उनके पापा को यहाँ ले आना। तो बस इतना ही दिया गया है वर्कशीट में। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर क्यों खड़ा है? तो खंबा टेढ़ा इसलिए क्योंकि पिछली रात तूफान आया था और तूफान में जो है खंबा टेढ़ा हो गया, क्योंकि हवा चलती है, बारिश हुई थी, तो खंबा अपनी जगह पर तूफान की वजह से टेढ़ा होकर खड़ा है। दूसरा है, जिस तरह कौवा काव काव की आवाज करता है, इसी तरह चिड़िया, तोता और मोर किस तरह की आवाज करते हैं? तो यहाँ पे आपको बोली लिखनी है इन चिड़िया, तोता और मोर की। तो पहला है, चिड़िया कैसे करती है? चिड़िया चहचहाना, चिड़िया की चहचहाट होती है। दूसरा, तोता क्या करता है? तोता टे टे करता है। तीसरा, मोर है, उसकी आवाज क्या होती है? फकना, वो करता है। तीसरा है, पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। यदि आपको पोस्टर पर लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे? तो पोस्टर पर लिखा था पापा खो गए, यानी उस बच्ची ने पोस्टर में लिखा था अपने लिए कि मेरे पापा खो गए हैं, तो आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे पापा लापता है। तो आप के ऊपर है, आप जो भी पोस्टर का शीर्षक लिखना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं, पापा लापता है, पापा गुमशुदा है, पापा गुम हो गए हैं, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहा गया? अब यहाँ पे हमने देखा कि लेटर बॉक्स अपने आप को लाल ताऊ कहता है, तो यहाँ पे लाल ताऊ उसे क्यों कहा गया है? उत्तर, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ इसलिए कहा गया है क्योंकि वह ऊपर से नीचे तक लाल रंग का है और पुराना भी हो चुका है। जैसे पुराना हो गया, नहीं बूढ़ा हो गया है, तो लोग जैसे बूढ़े बड़े होते हैं तो उनको लोग ताऊ कहते हैं, चाचा कहते हैं, तो वैसे ही लेटर बॉक्स को ताऊ कह रहे हैं लोग यहाँ पे। और ताऊ के साथ लाल ताऊ इसलिए क्योंकि लेटर बॉक्स जो है वो पूरा लाल रंग का है, ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरा लाल रंग का है, तो इसलिए उसे यहाँ पे लाल ताऊ कहा गया। अगला प्रश्न है, पांच नंबर, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए, आपको उसके अर्थ बताने हैं। पहला है भंगिमा, इसका मतलब होता है अंदाज। दूसरा है सिनेमा, सिनेमा का मतलब होता है फिल्म। तीसरा है प्रेक्षक, इसका मतलब होता है दर्शक। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप
हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।